देखो दुष्ट आत्मा जा रही है, देखो 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 स्क्रीन में देखो जा रही है, इसलिए आप तालियां बजाओ जोर जोर से। आपकी तालियों से शैतान को आग लग गई है, दुष्ट आत्मा को आग लग रही है। जोर से जोर से जोर से जोर से तालियां बजाओ और दुष्ट आत्मा जाएगी, बीमारियां जाएगी कलीसिया। पास्टर जी, इस बहन का नाम है राज दुलारी और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और ये बहन 2 महीने से ऑनलाइन प्रार्थना सभा को द गॉड फेवन चर्च की प्रार्थना ये बहन लगातार कंटिन्यू अपने घर पर सुन रहे थे और ये बहन पहली बारी चर्च में 12 अक्टूबर 2024 सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में पहली बारी ये चर्च में आए थे और ये बहन को 14 साल से दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और ये बहन बताते हैं कि अपने घर पर ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और ये बताते बहुत ज़्यादा इनके घर में कलेश पड़ता था और ये बताते बहन इतना ज़्यादा इनके ऊपर अटैक होते थे कि इनके ऊपर ये बताते जो लोग मर जाते थे उनकी आत्मा इनके ऊपर कार्य करती थी लगातार 14 साल से। उस कारण ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे और ऐसा झगड़ा करते थे कि एक दूसरों को मारते थे। मारने के कारण ये बताते जब झगड़ा करते थे तो ये एक दूसरे का ब्लड भी निकाल देते थे, इतना ज़्यादा इनके ऊपर दुष्ट आत्मा कार्य करता था। पर ये बताते हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने जीवन को लेकर के, इन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो एक मसीह को वहाँ नहीं जाना चाहिए, हर एक जगह जा जा के थक चुके हैं, परेशान हो गए थे, पर इनका कहीं भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। अपने जीवन को लेकर इतना दुखी थे ये, इतना निराश में थे, एक किस्म समझो ये इन्होंने 3 बारी इन्होंने सुसाइड करने के लिए भी सोच लिया कि इससे अच्छा तो मैं मरी जाती हूँ, क्योंकि ये बताते जो मरे हुए लोग थे वो इनके ऊपर खेलते थे, अटैक करते थे, लड़ाई झगड़ा करवाते थे, बहुत ही परेशान थे ये बहन। ये सुसाइड करने के लिए बहन 3 बारी घर से बाहर जा चुके थे, पर ये बताते कि जैसे इन्होंने 2 महीने से द गॉड हेवन चर्च की पास्टर जी की प्रार्थना सभा इन्होंने सुनना शुरू किया और ये पहली बार ये सिस्टर 12 अक्टूबर 2024 को सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में ये बहन जब आए थे तो पास्टर अशोक जी यहाँ पर मीटिंग ले रहे थे, तो जैसे उन्होंने बोला कि 2 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर हैं वो आज जा रही हैं, आप विश्वास करो। जैसे ये बहन प्रार्थना सभा में वर्सी प्रेयर से लेके इन्होंने लास्ट तक बने रहे उस प्रार्थना सभा में और जैसे इनके ऊपर बताते 14 साल से जो दुष्ट आत्मा अटैक करते थे वन बाय वन ये लगातार इनको सैटरडे फास्टिंग प्रे में परमेश्वर ने छुआ और ये बताते जैसे जैसे वर्शिप करते जा रहे थे, जैसे जैसे हर एक वर्ड को बोले हुए वर्ड को पासेज के इन्होंने रिसीव करते जा रहे थे, जो 14 साल की दुष्ट आत्मा थी जो कि कहीं से इनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, थक गए थे, हार गए थे, निराशा में चले गए थे और ये बंधनों से पूरी तरह से जकड़े हुए थे, पर इनको कोई भी हीलिंग कोई भी छुटकारा कहीं से नहीं मिल पा रहा था। पर ये फर्स्ट टाइम 12 अक्टूबर 2024 में जब पहली बारी आए इन्होंने पूरी प्रार्थना सभा को अटेंड किया और जैसे जैसे ये वर्शिप करते रहे वन बाय वन इनके अंदर से जो 14 साल की दुष्ट आत्मा थी जाना शुरू हो गया। परमेश्वर ने पूरी तरह से बहन के जीवन को बदल दिया और दुष्ट आत्माओं के अटैक से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजादी दी। हालेलुया। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से छुटकारा दिया और आत्मा से भर जाओ। सब लोग आत्मा में बढ़ते जाएं और देखो आपके
जीवन से, आपकी जिंदगी से बीमारियां जा रही है कलीसिया। सिर्फ आत्मा में बढ़ो, तालियां बजाओ, हालेलुया बोलो, आपके काम बन जाएंगे कलीसिया, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बीमारियां निकल जाएगी, नया जीवन एंटर करेगा सिर्फ तालियां बजाने से, तालियां बजाने से, जोर जोर से तालियां बजाओ। देखो दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, बीमारियों को निकलते हुए, जीवन बदलते हुए नया जीवन एंटर करेगा। जीवन बदलेंगे, जीवन बदलेंगे। बाबा 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 शिखा रा बाबा 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 ओ रिबार 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 शिखा रा बाबा 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 बार 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 यीशु 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 नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, टच 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 बाबा 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 बाबा। देखो दुष्ट आत्मा जा रही है, देखो 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 स्क्रीन में देखो जा रही है, इसलिए आप तालियां बजाओ जोर जोर से, आपकी तालियों से शैतान को आग लग गई है, दुष्ट आत्मा को आग लग रही है, जोर से जोर से जोर से जोर से तालियां बजाओ और दुष्ट आत्मा जाएगी, बीमारियां जाएगी कलीसिया, बंधन टूट जाएंगे, सिर्फ तालियां बजाने से, आत्मा से भरने से। बाबा 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 शिखा रा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। ये बहन 12 अक्टूबर 2024 के मास प्रेयर के दौरान इस बहन के जीवन में जो 14 साल से दुष्ट आत्मा कार्य कर रही थी, मास प्रेयर के दौरान वन बाय वन जो 14 सालों से थी, परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया, फ्री किया दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। बताते कि 14 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और क्या थे, दुष्ट आत्मा खेलती थी इनके ऊपर, मरे हुए जो लोग थे उनकी आत्मा इनके ऊपर कार्य करती थी। उसी के दौरान ही बताते बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे, मारने के कारण ये बताते हैं कि ब्लड भी ये निकाल लेते थे, इतना ज्यादा इनके ऊपर दुष्ट आत्मा कार्य करता था। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने छुटकारा दिया, एक ही मीटिंग में आए हैं, फर्स्ट टाइम, हालेलुया, फर्स्ट टाइम, और शैतान का लास्ट टाइम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। यदि आप भी छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। जब संगति करते तो शैतान को आग लगती है, दुष्ट आत्मा को आग लगती है, और आपके जीवन में ठहर नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पास्टर जी बताते हैं कि 3 बार ये अपने घर से बाहर चले गए सुसाइड करने के लिए, इतना ज्यादा अपने जीवन को लेकर परेशान थे, ये चाहते थे कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पर लास्ट टाइम जैसे ये 2 महीने से कनेक्टेड है ये बहन, और ये बताते उससे पहले इन्होंने यही सोच लिया था कि ये इससे अच्छा तो मैं मरी जाती हूँ। पर पहली बारी ये बताते हैं इन्होंने 2 महीने से, जैसे इनको द गॉड सेवन चर्च के बारे में पता चला कि चंडीगढ़ में पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना सभा लगती है, इन्होंने इनको किसी ने बताया, इन्होंने ऑनलाइन ही सुनना शुरू किया। सच में परमेश्वर का अनुग्रह था कि पूरी तरह से परमेश्वर इनको छुटकारा दिया। हालेलुया। जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम है, तुझे छुटकारा चाहिए